तो रामनवमी की आप सबको हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री राम जी का प्राकट्य बहुत ही विशेष है। रीजन बीइंग, हम भगवान श्री राम जी के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र डीलिंग्स करते हैं भक्तों के साथ, इवन अभक्तों के साथ, बहुत ही आइडियल आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पिता भी हैं, आदर्श पति भी हैं, आदर्श सब तरह से आदर्श हैं तो वो श्री रामचंद्र। सो वी लर्न फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ श्री रामचंद्र। उनकी वाणी से बहुत कुछ सीखने को नो डाउट, लेकिन विशेष रूप से श्री राम जी का जो चरित्र है, जो उनके आदान प्रदान व्यवहार है, बहुत ही आइडियल आदर्श है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत आदर्श है। उनके चरित्र को कॉपी नहीं कर सकता कोई। हु कैन कॉपी कृष्ण? 10,000 करोड़ गोपियां बनाओ, कर सकते हैं? 16,000 स्मार्ट पत्नियां, कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो भगवान वाले ऐसे कार्य करते हैं विच आर इनइमिटेबल, नोबडी कैन इमिटेट। तो फिर कृष्ण भगवान को फॉलो करने वाले आएंगे तो भगवद्गीता, जो उनकी वाणी है बस वही फॉलो कर लो। एक्टिविटी कॉपी नहीं हो सकती उनकी। अच्छा, एक्टिविटी किसी कॉपी हो सकती है टू सम एक्सटेंट, वो है श्री रामचंद्र। या तो इसमें देखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र आए नवमी के दिन। नवमी क्यों? बिकॉज 9 नंबर इज वेरी ऑस्पिशियस। 9 नंबर इज वेरी ऑस्पिशियस। जैसे हम देखते हैं 1 और 8, 1 और 8, 1 है शक्तिमान, 8 है शक्तियां, ठीक है? तो 1 और 8, 18 अध्याय, 18 औक्षिणी सेना, 18,000 श्लोक, 18। और वैसे 108, 1008, 1,08,000। सो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है, इसीलिए 9, 1 और 8, 9, इस तरह से। साथ ही 9 1 9, 9 2 18, 1 and 8, 9। अच्छा, 9 3 27, 2 and 7, 9, 9 4 36, 3 and 6, 9, 9 5 45, 4 and 5, 9। राम जी इतने सीधे हैं, ही इज वेरी प्रेडिक्टेबल। 9 9 ही आएगा, वेरी प्रेडिक्टेबल। कृष्णा इज अनप्रेडिक्टेबल। 8 1 8, 8 2 16, 1 and 6, 7, 8 से 7 पे आ गया। 8 3 24, 2 and 4, अब 6 पे आ गए। 8 4 32, 5 पे आ गए। 3 and 2, 5। तो जैसे जैसे कृष्ण की उम्र बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमें उनके समझने की जो हमारी नंबर है वो पूरे होते जाते हैं। पहले 8 नंबर थे, समझ आया? हाँ। उसके बाद 7 नंबर, कम समझ में आया। जैसे जैसे कृष्ण की उम्र बढ़ती रहती है, हमारी बुद्धि उनको समझ पाने में बहुत मुश्किल आती है। इसलिए कई लोग लड्डू को बाद की पूजा इसलिए करते हैं, कहते हैं बस वही समझ में आते हैं भैया। जैसे बड़े हो जाते हैं फिर वो परे हो जाते हैं, छोटे हैं प्यारे हैं, मेरे बच्चे, मेरे गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। इसलिए घर में लड्डू गोपाल खूब मिलते हैं, राधा कृष्ण नहीं मिलते, क्योंकि राधा कृष्ण। तो राम जी जो है ही केम ऑन नवमी। तो राम जी जो बड़े गंभीर चरित्र के हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत सरल हैं, नो कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे श्री रामचंद्र। तो राम जी के आने के भले क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस, क्यों आए श्री रामचंद्र? सबसे पहला कारण तो हम जानते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाश दुष्कृताम, यानी कि दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं और साधु संतों की रक्षा करने के लिए आते हैं और दुष्टों का दमन करने के लिए आते हैं। लेकिन प्राइमरी पर्पस है उनका साधु संतों के ऊपर कृपा करना। ऐसे साधु संत जो कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके दर्शन की, तो इसलिए उनको दर्शन देते हैं, उन पर कृपा करते हैं। जैसे कई ऋषि मुनि थे, वो ओम पे ध्यान लगा रहे थे, ओम ओम ओम, लेकिन जब उन्होंने देखा राम लक्ष्मण जी को, सीता जी को, तो उन्होंने कहा अरे ओम तो यही है, चलता फिरता ओम। अ इज राम, उ इज ऊर्जा सीता मैया, एंड म लक्ष्मण जी जो कि दोनों की सेवा कर रहे हैं। म मतलब वो जीवात्मा जो कि दोनों की सेवा करता है, लक्ष्मण जी इज नॉट जीवात्मा, इज अ विष्णु तत्व। सो अ उ म से बनता है ओम। तो जितने ऋषि मुनि थे जो इतने समय से ओम पे ध्यान लगा रहे थे, ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम, देखा अरे ये हरि ओम के रूप में चल रहे हैं, ये हमारा ओम चल रहा है भाई, हमको लगा था ओम शायद निराकार है। ओम निराकार नहीं है जी, ओम का मतलब ये अ उ म, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी। तो इसलिए ऐसे कई संत महात्मा थे जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, अहिल्या जैसे कई ऐसे जीवात्मा प्रतीक्षा करें श्री राम जी की। तो इसीलिए परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय साधुनाम, और फिर विनाश च दुष्कृताम, यानी दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। हालांकि दुष्टों का नाश करना जो है इज़ वेरी इजी फॉर श्री रामचंद्र, लेकिन चलो वो भी अब काम कर लेते हैं।
ऐसे छिछोरे लोग होते हैं कुछ, वो मरने के लिए आए हैं इसलिए कि राम जी के हाथों से ही मरेंगे, तो कोई बात नहीं जी, देखिए ये इच्छा ही भगवान पूरी करता, तो इसलिए ये कार्य है, एक कारण ये है। दूसरा है लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि ना थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा अलग से समय मिले, हम भी कुछ विहार करें, वी आर हेयर, वी नीड सम चेंज। ऑलराइट लक्ष्मी, विल हैव सम चेंज, वी हैव लॉट ऑफ चेंज। तो लक्ष्मी जी की इच्छा की भगवान ने पूरी, तो देन ही केम। अच्छा, और साथ ही मनु और शत्रुपा, इन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की हुई है कि हमको प्रभु जी हमने पुत्र के रूप में प्राप्त हों, तो इसे उनकी प्रसन्नता के लिए भी भगवान आए, ठीक है जी। साथ ही पेरेंटल रस, भगवान जब नरसिंह भगवान के रूप में आए थे तो उन्होंने प्रहलाद महाराज के ऊपर को अपनी गोद में बिठाया, साथ में उनको चाटे, इस तरह से अपना वात्सल्य दिखाया, तो वात्सल्य दिखाया, तो उनके अंदर भी इच्छा है कि ना मैं भी वत्सलता का रस अनुभव करता, इसलिए अगली बार जब भी मैं आऊंगा मैं मम्मी पापा जरूर स्वीकार करूंगा, आई एक्सेप्ट माता पिता। तो इसलिए उसके बाद जब श्री राम जी के रूप में आते हैं तो फिर माता पिता स्वीकार करते हैं, माता पिता ऐसे स्वीकार करते हैं, ओ माय गॉड, भर भर के स्वीकार करते हैं। कितने स्वीकार करते हैं, कितनी माएं थी राम जी की, 353। व्हाट, रियली? यस सर, 353। वैसे तीन माताएं तो हम जानते ही हैं, सुमित्रा कौशल्या है, सुमित्रा है और कैकेयी है, इसके अलावा 350 और थी जो दशरथ महाराज को सरकमस्टेंशियली शादी जिनसे करनी पड़ी थी। क्यों? परशुराम जी हैं, अगर आएंगे भाई, वो तो है क्षत्रियों की ऐसी तैसी करने के लिए आए हुए, तो जब दशरथ जी के पास पहुंचते थे तो उस वक्त कंडीशन ये थी कि अगर वो राजा शादी कर रहा होगा तो छोड़ देंगे उसको, या उनकी रानी जो है अगर नग्न खड़ी हो जाएगी तो फिर छोड़ देंगे, ऐसे तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो तो कभी पसंद आई नहीं उनको, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया, यानी कि शादी कर रहे होंगे तो फिर छोड़ देंगे। हालांकि दशरथ जी लड़ सकते थे परशुराम जी से, ही वॉज वेरी पावरफुल, पर उनको लगता नहीं, फिर भी भगवान की शक्तावेश बता रहे हैं, छोड़ो क्या लड़ना, तो इसलिए वो शादी करते, आई एम गेटिंग मैरिड, सॉरी। तो इस तरह से 350 बार हो चुका था, तो इस तरह से रामचंद्र जी की माएँ कितनी हैं, 353। तो ये 350 है सरकमस्टेंशियल, उनकी वाइफ थी दशरथ महाराज की, तो इसे 350 ही, और साथ में तीन और, तो 353 मदर्स थी उनकी। तो इसलिए वात्सल्य रस का अनुभव करने के लिए भगवान ने भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में आते हैं। साथ ही एक और बहुत सुंदर लीला आती है जो कि रामचरितमानस में आती है कि नारद मुनि ने एक समय तपस्या की, और ऐसी बढ़िया तपस्या की, एकदम जबरदस्त, कि जितनी भी अप्सराएं आई सबने तकदन तकदन किया, लेकिन तकदन का कोई फर्क पड़ा नहीं उनके ऊपर, सबने छन 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 सब हो गया, किसने बैले किया, किसने सालसा किया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो भाई इंद्र ने देखा, अरे भाई वरणी पड़ रहा, बड़ी बड़ी अप्सरा आया है, कोई हिला नहीं सकी, वैराग्य अटूट है। तो नारद मुनि जो है इस भाव के साथ पहुंचे शिव जी के पास, शिव जी वैसे आप काफी ध्यान लगाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, कई अप्सराएं आई, तकदिन किया, तका तका तकदिन किया, कुछ नहीं हुआ, वैराग्य। शिव जी ने कहा, मुझे जान की बड़ी खुशी हो रही है नारद, यू आर सो गुड, भाई मतलब क्या वैराग्य है कि सब डांस वांस हो गया आपके आगे, सारी एल्योरमेंट्स को आपने मात दे दी, मान गए उस्ताद, बहुत बढ़िया, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूं, क्या? शिव जी ने कहा, बस एक रिक्वेस्ट है कि ये बात जैसे आपने मेरे को बताई है ना, ये प्रभु श्री हरि को नहीं बताना बस, ठीक है, उनको नहीं बताना बस, बाकी रहो बढ़िया यार, मतलब हमें खुशी होती है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं बताऊं, जो काम खुद से नहीं हो सकता दूसरे कर लें तो बताओ नहीं औरों को, नहीं बताएं, क्यों ना बताएं, ठीक है भाई नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो पहुंचे श्री हरिवास, नारायण नारायण, वन एंड ओनली नारद। सो भगवान श्री हरि ने बड़ा स्वागत किया, अरे नारद बताइए कैसे हैं आप, अरे प्रभु वेल तपस्या कर रहा था मैं, कोई वैराग्य को ना हमारे हिला नहीं पाया, सब आए तकदिन तकदिन, कैसा लगा आपको मेरा ये रिपोर्ट कार्ड श्रीमान नारायण?
वहां श्री नारायण ने कहा, अरे ये तो बहुत ही मतलब कमाल की बात है, दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। इसके बाद से नाग मुनि फिर वहां से निकलिए, भाई चलो अपनी रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर दी, प्रभु भी खुश हो गए, नाइस। तो चल दिया अभी, तो चलते चलते जो है एक नगरी पहुंचे, एक बड़ी विशेष नगरी थी, वहां के राय थे शील नदी करके, उनके पास पहुंचे, बड़ी सुंदर नगरी, इतनी सुंदर नगरी मतलब वैकुंठ के समान इतनी सुंदर नगरी। अरे हाँ, ये नगरी तो हम कभी देखे नहीं भाई, कई बार हम गुजरे हैं, ये तो बड़ी सुंदर नगरी है। वहां के राजा आया, कहते अरे देखो कौन आए, अरे नारद मुनि आए, नारद मुनि आए, आइए आपका इंतजार था, आइए जी। नारद, अरे क्या बात है, नारद मुनि जिनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, जिनके वैराग्य को कोई रद्द नहीं कर सकता, ना रद्द नारद। तो नारद मुनि को बिठाया, नारद मुनि जी अब मतलब ऐसा सौभाग्य हो गया, आपके चरण हमारे साम्राज्य में पड़ गए, भाई हमारा साम्राज्य तो तर गया, बस एक ही चिंता हमें लगी रहती है, चिंता का समाधान कर दीजिए, आप तो ट्रबल शूटर हैं जी, जो आपके संपर्क में आया समाधान हुआ ही हुआ है। नारद मुनि ने कहा, या ऑफ कोर्स प्लीज, भाई क्या समस्या है आपकी? तो ने कहा, बस बेटी जवान हो जाती है तो पिता को चिंता होती है, ये योग्य वर मिल जाए और क्या। तो बेटी, अच्छा हाँ बेटी, विश्व मोहिनी बेटा, इतना बेटा कम कम। तो विश्व मोहिनी अपने हाथ में रूह अफ़ज़ा वगैरह लेकर के आई, जब इनसे रूह अफ़ज़ा वगैरह पिया और विश्व मोहिनी को देखा, वैराग्य इवेपोरेटेड। भाई प्रभु अपनी माया शक्ति के लगाए, भैया माया की शक्ति आगे कौन टिका है। तो उनको देखा तो देखते ही रह गए, नारद जी नारद जी नारद जी, हाँ 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 जी बताइए, यस जी, समस्या का समाधान है। समस्या क्या 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 समस्या है? कहते ये बिटिया हमारी विश्व मोहिनी बड़ी संस्कारी है जी, दिखने में कुछ खास नहीं है लेकिन वैसे अच्छी है, तो हम तो चाहते बस योग के बारे मिल जाए और कहिए। योग्य वर, आप स्वयंवर करिए, स्वयंवर, स्वयंवर में इनके लिए योग्य वर अपने आप मिल जाएगा, स्वयंवर करिए। अरे वाह क्या बात है, क्या सजेशन दिया है, वाह ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वयंवर हुआ, सारा आयोजन हुआ, स्वयंवर होगा। तो अब नारद मुनि पहुंचे प्रभु के पास, कहते प्रभु इतनी भक्तियां की हैं आपकी, आज कुछ मांगे चुपचाप दे देना। भगवान ने कहा, हाँ बताओ बताओ नारद क्या चाहिए? हमें तो बस हरि का रूप चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, हरि का एक मतलब बंदर भी होता है, तथास्तु, ठीक है जी। अब ये पहुंच गए, अब वहां पर स्वयंवर है, सारे राजा आए हुए हैं, प्रोटीन शेक पी के अपना जिम में मार के आए हुए हैं, वही हमको चुनेगी, हमको चुनेगी। और विश्व मोहिनी, ना नॉट दैट गुड। ऐसे करते करते नारद मुनि जो है ही वाज देयर पर फुल फॉर्म में अपना विश्व मोहिनी जैसे इनको देखा, ओह नारद मुनि व्हाट इज दिस, मेरा हरि का रूप है, तुमने लगता है ठीक से नहीं देखा। तो क्यू में आगे जाके फिर से खड़े हो गए, विश्व मोहिनी ने फिर से देखा, ओहो फिर से गॉड ये क्या है, है? ये मेरे तभी जो है वहां पर स्वयं भगवान श्री हरि आए, गरुड़ पे बैठ करके आए, और विश्व मोहिनी ने उनको देखा, हाँ ये है वास्तव में सियो के बार, उनके गले में माला डाली, भगवान श्री हरि ने उनको बिठाया और नारद मुनि की आंखों के सामने ले गए विश्व मोहिनी को। है भाई जब मेरा भी हरि का रूप, उनका भी हरि का रूप, तो इस हरि के रूप में ऐ जाके कसोले में अपनी शक्ल देखी, ओह बंदर का रूप, ये निष्ठुर है, ये हरि, ये निष्ठुर है, ये क्या मिला, क्या मिला इनकी भक्तियां करके, वो शिव
वो ध्यान लगाता क्या मिला, जहर। हमें क्या मिला, ये पत्थर हृदय है इस हरि का। जिस तरह से आज मैं विश्व मोहिनी के विरह में तड़प रहा हूं, एक दिन तुम भी तड़पोगे। श्राप देता हूं मैं। अब भगवान सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। श्राप लेकर के मुस्कुरा रहे हैं आप? फिर भगवान ने उनका मोहजाल खत्म किया। भगवान का नारद भाई, हमारे भक्त में वैराग्य का फोड़ा हो गया था, पर फोड़ा देख के, फोड़ा मतलब इसको फोड़ा तो फोड़ा को हमें फोड़ना होता है, इसलिए हमने फोड़ दिया। फिर इसको विष्णु मोहिनी और कोई नहीं, मेरी माया शक्ति थी। प्रभु ये तो हमें सोचा ही नहीं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान ने कहा मेरे को श्राप को नहीं लगता, लेकिन हाँ तुम्हारे श्राप को मैं प्रयोग करूंगा। जब मैं श्री राम जी के रूप में आऊंगा तो फिर मैं इस श्राप को प्रयोग करूंगा लीला के अंदर, अदर मुझे कोई श्राप वगैरह नहीं लगता। तो फिर नाद मुनि जिस प्रकार से, नाद मुनि के श्राप की वजह से भगवान ने फिर ये लिखा, तो दैट वेज दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि भला श्री राम अगर आए हैं तो भला क्यों आए हैं। अब भगवान आए हैं तो, लेकिन भगवान के आने से पहले, भगवान का आने बड़ा विशेष है जो उसकी लीला है। दशरथ महाराज के जीवन में सब कुछ अद्भुत है। उनके साम्राज्य का नाम है अयोध्या। अयोध्या का मतलब जहां युद्ध नहीं होते, अयोध्या, अयोध्या ऐसे वास्तव। अयोध्या का मतलब ये भी है कि अंदर भी कोई युद्ध नहीं है। एक होता है ना आंतरिक युद्ध होते हैं, करूं ना करूं, ये अच्छा बुरा, कभी अच्छा काम कर लिया, कभी बुरा काम कर लिया, नो युद्ध, अयुद्ध, अयोध्या। बाहर भी कोई युद्ध नहीं है, बाकी बिकॉज सब में इतना प्रेम है अयोध्या के अंदर। और अयोध्या जो है ऐश्वर्य से भरी हुई है। इमराल्ड के वहां पर नीचे फ्लोर्स हैं, टोपास के वहां पर गेट्स हैं, डायमंड्स के वहां पर फानूस हैं, एवरीथिंग इज ऑसम इन अयोध्या। तो इनफैक्ट वहां पर अयोध्या के अंदर 12 साल बारिश नहीं हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला, क्योंकि समृद्धि इतनी ज्यादा थी कि बारिश नहीं हुई पता नहीं चला। ये तो 12 साल बाद दशरथ महाराज नोट किया, ये बारिश नहीं हुई 12 साल से ना, हाँ क्यों नहीं हुई, कहता वो शनि ने रोक के रखा हुआ। अच्छा, शनि की दृष्टि की। तो अयोध्या इज लाइक दैट, अद्भुत है अयोध्या। तो ऐसी अयोध्या में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन होता क्या ना, जहां पर जो चीज में गड़बड़ होती है, मन बार बार वहीं जाता रहता है। जैसे मुंह में जब सौंफ फंसी होती है तो फिर जी बार बार सौंफ वाली जगह पे जाती है। क्यों, बाकी दांतों में क्यों जा रही तू, क्योंकि सौंफ यहां फंसी हुई है। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जहां दिक्कत होती है बार बार ध्यान वहीं जाता है। ये यार, ये बढ़िया दिक्कत है यार, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। उस तरह सब कुछ बढ़िया है साम्राज्य के अंदर, लेकिन दिक्कत कहां है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बेटी थी उनके पास, शांता नाम की बेटी है, लेकिन इनको शांता से शांति नहीं थी। साम्राज्य कौन संभालेगा, लड़की तो पराया धन होती है, ये तो चली जाएगी, साम्राज्य कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्त हो जाता, पुत्र प्राप्त हो जाता, तो इसलिए वो काफी समय से अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे कि पुत्र की प्राप्ति हो। पर अश्वमेध यज्ञ में क्या बड़ा खर्चा भी होता है, लेकिन पुत्र हो नहीं रहा जी। कई अश्वमेध यज्ञ हो गए, कई सारे अश्वों को मनुष्य जन मिल गया, वो तो नाश्ते खाते निकल गए, लेकिन हमें तो पुत्र मिला नहीं जी। तो इसलिए वो सोचा करते थे कि क्या किया जाए। तो उनके दोस्त थे रोमपद महाराज, तो उन्होंने बोला भी मेरे तो संतान ही नहीं है, आपको कम से कम बेटी तो है, मेरी बेटी हो जाती। रोमपद महाराज को बोला दशरथ महाराज ने, कोई बात नहीं, आप मेरी बेटी आप गोद ले लो जी, इट्स ओके, मेरे को तो पुत्र चाहिए। तो शांता जो है उन्होंने इनको गोदी, तो अब इनके पास रोमपद महाराज जी के पास बेटी चली गई। अब रोमपद महाराज के साम्राज्य में काफी समय से यहां पर बारिश हुई नहीं थी और सूखा पड़ा है, क्या किया जाए। ये तो खैर पहली कहानी है। तो दशरथ महाराज ने पूछा भक्तों से कि क्या किया जाए कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो। तो फिर वहां पर सुमंत्र नाम के जो मंत्री थे, उन्होंने बोला कि ना, अगर आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जो है करने के लिए योग्यता यह है, जो करने वाला है उसने पैदा होते हुए स्त्री का चेहरा ना देखा हो। ये कैसे हो सकता है, बच्चा पैदा होते नर्स को देख लेता है, माँ को देख लेता है, स्त्री तो देख ही लेता है, ऐसा कौन सा बच्चा है जो कि माँ को ना देखे हुआ, ऐसे कैसे हो जाएगा। नहीं महाराज, एक है। अच्छा, ये कौन है जिसने माँ का चेहरा देखा? कहते उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस ऋषि की, उसका नाम है ऋषि श्रृंग। वो ऋषि जिनके श्रृंग यानी कि सिंह निकले हुए हैं। ऐसा कैसे? अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, आपको बताते। एक ऋषि हुए, उनका नाम था विपंडक ऋषि। ये बड़े वैरागी थे, इनके
इनके आगे कोई भी जो अप्सराएं वगैरह डिजायर कर कितना तकदीन करें कोई फर्क नहीं पड़ा, बड़े वैरागी थे। इवन सारी स्वर्ग की अप्सराओं ने सारी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी थी डांस इंडिया डांस करके, लेकिन फिर भी हुआ कुछ नहीं। अच्छा, तो इसलिए इंद्र को इनसिक्योरिटी होती है, यार भाई इतना वैराग्य, फिर जाएगा ब्रह्मा जी से बोलेगा हमें तो देखिए इंद्रासन चाहिए, हम और कहीं नहीं बैठेंगे। नहीं भाई ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गए वो ब्रह्मा जी के पास, कहा ब्रह्मा जी आपका यहाँ कोई बढ़िया आइटम हो एकदम, वो आप भेजिए ये विपंडक ऋषि के पास। अच्छा ठीक है जी, देखो लेकिन वैसे हम ये घटिया काम करते नहीं है। देखिए अब इंदिरा अब कभी कभी तो आते हैं आपके पास, देखिए ना कोई बढ़िया कोई आइटम हुआ आपके यहाँ पर। आइटम हमारे आइटम वगैरह नहीं होती, हमारे सब अच्छे लोग ही होते हैं, पर तुम अगर बोल रहे हो तो ठीक है। हंसा भैया इनकी थोड़ी मदद कर दो। तो हंसा ने कहा ठीक है बताइए क्या करना है। विपंडक ऋषि हैं उनको थोड़ा सा एल्योर करना है और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति करनी है, बस दैट्स इट, वो हो जाएगा उनका तो बस हो गया फिर ठाए ठाए। ठीक है बढ़िया जी। तो हंसा जो है पहुंची और हंसा ने इतने मधुर तरीके से गुणगान करना शुरू किया, वेदों की स्तुतियां गानी शुरू की कि विपंडक ऋषि का इतना मधुर गायन, इतना मधुर श्लोकों का उच्चारण, ये कौन है कौन है। तो विपंडक ऋषि जो है उनके पास आए, आप कौन है। तो हंसा ने अपना आधार कार्ड दिखाया कि मैं हंसा हूँ, मैं ब्रह्मलोक से हूँ। अच्छा बड़ा सुंदर आपने वेदों की स्तुतियाँ बोली हैं, बहुत सुंदर, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बस एक वर चाहिए था। कहते क्या वर चाहिए। कहते मुझे वर में ना आप वर के रूप में चाहिए और मैं आपकी वर की वधू बन जाऊँ, ये वर चाहिए। व्हाट व्हाट्स दिस नॉनसेंस, हाउ डेयर यू से दैट, ऐसे कैसे बोला तुमने। कहते आई एम सॉरी। तो तुरंत जो है ध्यान लगाया, ओ इंद्र का सारा काम है, हैं तब भी तू यहां पर आई हुई है, तेरे को बताता हूं मैं अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए तेरे को, इससे तूने गायन के सारे वैदिक शास्त्रों के ताकि मेरे से तेरे को पुत्र की प्राप्ति हो। तो उन्होंने अपनी शक्ति से अपने वीर को लिया, ये ले और उसके हाथ में दिया। हंसा के हाथ में तेजस्वी ओजस्वी वीर है विपंडक ऋषि का, कहा मैं क्या करूं। पास में हिरणी थी, हिरणी के घर में डाल दिया और वहां से चली गई। अब हिरणी के घर में जब ये वीर गया तो उन्होंने जो जन्म दिया उसी वक्त वहां पर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चा पैदा हुआ क्योंकि है तो विपंडक ऋषि का, तो इसने मनुष्य रूप है उसका, लेकिन आए हिरणी से है तो उसके सींग निकले हुए उसके, तो बच्चा जो है यहां अभी रो रहा है। अब ये तो हिरणी तो क्या है, अब हिरणी के साथ क्या होता है, हिरणी ऐसे नहीं वहां पर उसकी वो मैटर्निटी लीव है और वहां बैठी हुई है ग्लूकोज लगा करके ना, बच्चा हुआ निकल ली वो तो, इसलिए इससे पहले आंख खोलना बच्चा, मम्मी जा चुकी थी। तो इसने आंख खोली, इसने किसी का बेचारा नहीं देखा। अब ये रो रहा है बच्चा, रो रहा है पंडित ऋषि आए, कोई कौन है बच्चा, वही कहा कैसे रो कैसे रहा है, किसका बच्चा है, ऐसे जंगल में किसे छोड़ दिया। उन्हें ध्यान लगाया, अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है, ओ इसको हमने आश्रम में लेकर के गए, आश्रम में लेकर जाकर इसकी देखभाल की। और उन्होंने सोच लिया था कि इसको मैं कभी माया में नहीं गिरने दूंगा, इसको अपने साथ रखूंगा, इसको प्रशिक्षण दूंगा, भक्ति कराऊंगा और इसको यहीं से ही गोलक भेजूंगा, उसको मैं धाम भेजूंगा, ऐसा करूंगा। और ऋषि श्रृंग वाज ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत मासूम, जैसा पिताजी बोलेंगे ऐसा करेंगे, पिताजी क्या मैं मंजन कर लूं। हाँ बेटा मंजन कर लो। थैंक यू। मंजन करेंगे वो तो हर चीज पिताजी पूछे, पिताजी अब मैं सो जाऊं। कहते हाँ बेटा अब तुम सो जाओ। और जब सो जाएंगे, पिताजी अब मैं उठ जाऊं। हाँ उठ जाओ। पिताजी मैं स्नान करने के लिए जाऊं। बेटा स्नान करने के लिए जाऊं। पिताजी मैं नदी से अब बाहर आ जाऊं। धाम नदी से बाहर आ जाऊं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सिंपल, मासूमियत की मूर्ति ऋषि सिंह, संसार में और किसी को देखा भी नहीं, किसी टच में भी नहीं आए, एकदम एब्सोल्यूटली इनोसेंट। अब रोमपद महाराज जी के क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा देखिए सूखा जा नहीं रहा है, सूखे को अगर गीला करना है तो एक बड़े विशेष ऋषि हैं ऋषि श्रृंग नाम के, और लेकिन दिक्कत यह वो ये विपंडक ऋषि के पुत्र हैं, वो उनको पता लग गया ना कि हमने ऐसे करके उनको यहां पर लेकर के आए, उनसे अलग लेकर के आए, ध्वस्त कर दें, जला कर राख कर देंगे, लेकिन अगर उनके चरण भी पड़ जाएंगे अगर यहां पर तो बारिश हो जाएगी। अच्छा तो कैसे लेकर के आए, कहते हैं वही तो दिक्कत है जी, कैसे लेकर के आए, वहां पर जाएंगे कुछ भी दिक्कत हो सकती है। फाइनली जो है मीटिंग हुई, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि वहां पर यहाँ की कुछ लड़कियां जाएंगी, वो लाइक सिटी गर्ल्स,
और वो जाएंगे और ऋषि मुनि का अपना भेष बदल के जाएंगे, दाढ़ी वाड़ी मूछ मूछ लगा करके, जटाएं वटाएं लगा करके, अच्छे से अपना सैफ्रॉन कपड़े पहन पहन करके जाएंगी। और तो जब विपंडित ऋषि जब तपस्या के लिए गए होते थे तो फिर आ जाती थी, ऋषि श्रृंगा कैसे हो। पहली बार उन्होंने किसी और ऋषि मुनि को देखा, कहते अरे ऋषि मुनि जी, हाँ जी, ए नमस्ते नमस्ते। कहते हैं तो ऋषि मुनि, तो ऋषि सिंह ने उनकी आवाज़ बड़ी चली, कहते हैं पिताजी की आवाज़ बड़ी कड़क है, जाओ नहलो जाओ। अरे ये आवाज़ कितनी अच्छी है, ऋषि श्रृंगा जी अब कैसे हैं। और जब ये इनको छुए, ओ ऋषि श्रृंगा जी, इनको अच्छा लगे, पिताजी छूते हैं अलग लगता है, यहाँ छूते बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऋषि श्रृंगा को इनकी आवाज ही बड़ी अच्छी लगती थी, और बाकी वो प्रतीक्षा करते थे कभी आएंगी कभी आएंगे, उनके सबसे आएंगे था ये ऋषि मुनि है जो टाइम टाइम लगा के आए, ऋषि श्रृंगा जी हरी बोल। तो इनको बड़ा अच्छा लगा। तो एक तो इन्होंने ये क्या करती थी, ये जितनी जो साधु बन के आई हुई थी सिटी गर्ल्स, इन्हें चलती फिरती नाव के ऊपर कुटिया वुटिया बनाई हुई थी, उसी को फ्लोट करके पहुंच जाया करती थी, वहां से उतर जाया करती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा, ऋषि श्रृंगा जी आपको कभी कभी दूसरे साधुओं की कुटिया में भी जाना चाहिए। हाँ चलेंगे, कहाँ है, हम लेके चलते हैं आपको, आप भी ना चलिए। और फिर इनको ऋषि श्रृंगा जी है बड़े भोले से क्यूट से, अरे एकदम सादगी से भरे हुए गए, आइए बैठिए, ये है हमारी कुटिया, ये चलती फिरती कुटिया है, आइए। और फिर इनको करते 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 रोमपद महाराज के वहाँ ले गए, और जब वहाँ पहुँच गए, चलिए अब हमें कुटिया से बाहर जाना है, ओके चलिए ये गए। जैसे ही उन्होंने स्टेप रखा रोमपद महाराज के साम्राज्य में, वहाँ पर हो गई बारिश, बारिश हो गई तो जी चलो समृद्धि यहाँ पर तो हो गई। लेकिन अब पता था ये हो गया, लेकिन इसकी फीस चुकानी पड़ेगी। पंडित ऋषि ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, ध्यान लगाया, अरे पिछले कई दिनों से ये ऋषि श्रृंगा जी, ये तो भाई मेरा बेटा कहाँ है, रोमपद महाराज के साम्राज्य में। अरे तुरंत वहां पहुंच गए रोमपद महाराज के साम्राज्य में। जैसे वहां पहुंचे रोमपद महाराज का, पंडित ऋषि जी जय हो जय हो, ये प्रणाम वाला बंद कर, मेरा बेटा कहाँ है। कहते वो सात फेरे ले रहा है, वो शांता के साथ उसका हमने सात फेरे करा दिए। कहते क्या, अरे हम सोचे थे आई वाइफ ज्वाइन करेगा ये तो, कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी हो गया ये तो। हाँ जी अब हो ही गया कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी, बताओ हम तो रिटायर ही हो गए, अब देखिए हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो अब भजन करना है हरि भजन, अब यही आप राजा डिक्लेयर भी हो चुके। देखिए ये पैम्फलेट छपे हुए हैं, ये देखिए पैम्फलेट पढ़े उन्होंने, अरे ओहो ये तो बेटा राजा बन गया, ये खुशी का मौका है, भाई मिठाई लेके आओ। विपंडित ऋषि ने कहा, ओ अच्छा तो मतलब सारा मामला हो ही गया। कहते हाँ जी बस वो फेरे हो चुके हैं, बस वो अब आगे जो थोड़ी सेरेमनी वगैरह है, वो अंगूठी वगैरह वो होता ना निकालने का, जो वो अभी शांता के साथ देख रहे हैं कौन अंगूठी निकाल लेता है, तो अभी तो बस गेम वगैरह चल रहे हैं। ओके तो ये बात जो है सारी कहानी बताई सुमंत्रा जी ने बताई दर्शन मार्गों की, वो जो है ना ऋषि श्रृंग अगर वो यज्ञ करेंगे तो बात बनेगी जी। मैं ठीक है उनको बुलाया जाए, तो उनका आमंत्रित किया गया। और अब जो यज्ञ है एकदम सटीक हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए कहा ऐसा करते हैं रिहर्सल के तौर पे एक अश्वमेध यज्ञ और करते हैं टिच, कि भाई हम वी विल डू इट टू द परफेक्शन। अगर उसमें कोई गलती अगर होती है, अगर अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि अगर वो गलती करेंगे उसमें सारे ब्रह्म राक्षस आकर के यज्ञ करने वाले को चीर फाड़ देते हैं, तो इसीलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं, सब टिच चल रहा है, हाँ सब टिच 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 टिच। अच्छा अब करते हैं जी पुत्र कामिष्ठी यज्ञ। तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ हुआ, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ जो है सफलतापूर्वक है एकदम फ्लॉलेसली। तो फिर वहां से यज्ञ पुरुष निकले, ह्यूज सांवले रंग के हैं, उनके व्हाइट क्लॉथ उनके चारों ओर है, उनके हाथ में बड़ा सा एक घड़ा है, और उन्होंने दशरथ महाराज को देखा, और दशरथ महाराज को उन्होंने वो घड़ा दिया। जैसे ही वो घड़ा दे रहे थे तो घड़ा जो है उसका स्मॉल साइज हो गया, बिल्कुल अप्रोप्रिएट मानो बस उनके हाथ में आ जाए दशरथ महाराज के हाथों में। तो उनके हाथों में अब ये मटका आ गया। तो फिर
उन्होंने बोला कि अब आप इसको अपनी तीनों रानियों को अगर आप खिलाते हैं तो फिर आपके यहां पर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने बोला। चलो ठीक है जी। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर इसको बांटा रानियों में। तो इसका फर्स्ट हाफ दिया कौशल्या जी को और वन फोर्थ दिया कैकई को और सुमित्रा को। तो जैसे ही कौशल्या मैया ने पाया तो तुरंत शी कुड फील दैट यस सम ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी हैज एंटर्ड बाय माय वूम्ब, कोई दिव्य पुरुष है उन्हें मेरे कोख में प्रवेश किया है। अब इनके पास था वन फोर्थ लेकिन सुमित्रा क्योंकि सबसे छोटी थी सो आउट ऑफ हम्बलनेस वो वेट कर रही थी। कैकई ने क्या किया, कैकई ने अपना पाया और अपना पा करके इन्होंने दे दिया आगे सुमित्रा को 1/4। सो नाउ शी हैज 1/4 का आधा यानी 1/8 भी इनके पास और अपना 1/4 भी है। तो इन्होंने इसको पाया और जैसे ही रानियों ने ये इनका पान किया इमीडिएटली दे कुड फील दैट यस सम ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी हैज एंटर्ड आवर बॉडी। तो ये तुरंत इमीडिएटली उन्होंने इस बात को फील किया। तो इस प्रकार से फिर कौशल्या मैया के यहां हुए रामचंद्र और कैकेयी जी के यहां हुए भरत जी हुए और सुमित्रा के यहां हुए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इनका प्राकट्य हुआ और पहले जो है आए श्री रामचंद्र, 12 महीने के बाद आए रामचंद्र जी। अब वो इतने सुंदर थे कि सबके सब पहले इससे पहले कभी किसी ने इतना सुंदर बच्चा देखा नहीं था। बच्चा हो वो भी ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन भी है, उनके काले रेशमी घुंघराले बाल हैं और बालों का ह्यू इज डार्क ग्रीन, सो बॉडी इज लाइट ग्रीन, बालों की ह्यू वैसे काले हैं लेकिन उनकी ह्यू इज डार्क ग्रीन। इतना सुंदर बच्चा कभी देखा ही नहीं था, इतना कोमल, एक एक अंग अद्भुत, इतना सुंदर। तो जब दशरथ महाराज ने उनको लिया गोद में तो लगा साक्षात मैंने दिव्य आनंद को अपनी गोद में ले रखा है मानो। तो भाई बाकी दो बच्चे भी हुए नहीं थे, अभी बाकी दो बच्चे नहीं हुए लेकिन ना अक्सर कैकई और सुमित्रा के पेट में जो बच्चे थे वो ना बाहर की ओर पुश किया करते थे एज और उनके हाथ नजर आते थे और हाथ होते थे उस दिशा में जहां राम जी हैं, मानो राम जी के चरण छूना चाहते हैं लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न, वो मानो चरण छूना चाहते हैं इसलिए उनके हाथ इस प्रकार से बाहर की ओर आया करते थे। तो ना दौड़ी चली आती थी कि भैया हमें पुश कर रहे हैं अंदर से, तो इसे दौड़ती थी वो। जब तक वो राम के पास ही पहुंच जाएंगे राम को गोद में नहीं उठाएंगे, जब राम को गोद में उठाएंगी ये तो फिर ये पेट से उनके पांव को छू लिया करते थे फिर जाके शांत होंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं बस ये बच्चे ही बाहर ही आए हो कि ये हमेशा पुश करते रहते हैं हमको, मेरे को पुश करते रहते हैं ये तुम्हारे बेटे राम की और कौशल्या। और फाइनली फिर इन दोनों का भी इन दोनों वाइफ ने भी बच्चों को जन्म दिया। सो इस तरह से चारों बच्चे अब हो गए। अब इनका है नामकरण संस्कार होना है। ठीक है जी। सो नामकरण जब संस्कार हुआ तो नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ मुनि जी को बुलाया गया। तो वशिष्ठ मुनि जब आए तो वशिष्ठ मुनि जी ने जैसे ही राम को अपनी गोद में लिया, राम जी को अपनी गोद में लेकर के वो स्तब्ध रह गए, इतना सुंदर बालक। तो स्पॉन्टेनियसली उनके मुख से निकल गया राम। तो दशरथ महाराज बोला क्या नाम लिया आपने, अरे भैया मैंने नाम ही दिया, ये इसका नाम पहले से ही है, इसका नाम है राम। तो राम का मतलब क्या है, जो आध्यात्मिक आनंद के स्वरूप है वो है राम। राम मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, राम। अच्छा फिर आई नेक्स्ट बारी आई भरत की। जैसे भरत जी को अपनी गोद में लिया उन्होंने, भरत एब्सोल्यूटली ब्राइट इफल्जेंट वाइट कॉम्प्लेक्शन भरत जी का, तो भरत को ऐसे ही गोद में लिया तो मुंह से नाम निकल गया भरत। भरत, अरे वाह क्या सुंदर नाम है भरत, वाह क्या बहुत अच्छा भरत। अच्छा भरत क्यों नाम पड़ा, भरत का मतलब जो भार उठाएगा, क्योंकि आगे जाकर के जब राम जी नहीं होंगे तो अयोध्या की सेवा करने का जो भार उठाएगा ये वो भरत। साथ ही भरत का मतलब ये भी है कि इनको भार उठाना पड़ेगा एलिगेशंस का, तो उस भार को सहेंगे भी और सेवा भी करेंगे, वो है भरत। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो हमारे पर एलिगेशन लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सेवा छोड़ देते हैं, द बस जी बस, इकलौता इस्कॉन रोहिणी इज नॉट द ओनली टेम्पल, 850 मंदिर पड़े दुनिया के अंदर,
हम चले जी गौर प्रेमानंदे। एलिगेशन लगने में हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सच्ची हो झूठी हो वट एवर, एलिगेशन लगने बाद वो सीधे हर्ट करती ना, इन शब्दों को हम बोल नहीं सकते। लेकिन भरत, उस वक्त भरत को याद करें, उनके ऊपर भी झूठी एलिगेशन का भार था, सबको लगा ये भरत की वजह से हुआ है, और कहीं तो अरे कैकई ने अपने भरत को ही तो सिंहासन बिठाना था, तभी तो राम जी को भेज दिया वनवास, ये भरत की वजह से, झूठी एलिगेशन लगी, भरत जी को पता नहीं इस बारे में कुछ। तो ये जो झूठे आरोप का भार सहेंगे लेकिन फिर भी सेवा करते रहेंगे, वो है भरत। फिर आए लक्ष्मण जी की बारी। जैसे लक्ष्मण आए तो लक्ष्मण जैसे ही गोद में लिया तो मुख से निकल गया लक्ष्मण, तो सबने कहा वाह क्या बड़ा सुंदर नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या है? लक्ष्मण का मतलब है जिसके पास भर भर करके लक्ष्मी है, लक्ष्मण ये वो है। अच्छा ऐसा क्या? पर ये तो वनवास में जाने वाले आगे जाकर के, ये कौन सी लक्ष्मी इनके पास? इनके पास है प्रभु श्री राम की सेवा की लक्ष्मी, क्योंकि जो लक्ष्मी है सौभाग्य है, असली सौभाग्य सेवा है। सेवा मिलनी जो है ये सौभाग्य से मिलती है, ये तो कभी कभी हम तैश में आके सेवा छोड़ देते हैं, नहीं कर रहे हैं हम। अरे भाई साहब भगवान की सेवा ऐसे नहीं मिलती, सैकड़ों जन्मों के बाद सौभाग्य मिलता है जीवात्मा को कि भगवान की सेवा कर पाए। तो इसीलिए राम जी की सबसे अधिक सेवा करने की लक्ष्मी किसके पास होगी? लक्ष्मण के पास होगी, इसलिए उनका नाम है लक्ष्मण। ठीक है जी। इसी प्रकार से फिर आई शत्रुघ्न की बारी। तो जैसे ही वो गोद में आए तो उनके मुख से निकला, वशिष्ठ मुनि के मुख से निकला शत्रुघ्न, जो अपने शत्रुओं पर हमेशा विजयी रहेगा। लेकिन अगर पूरी रामायण अगर वो देखे ना, एक लवणासुर को बस मारा है शत्रुघ्न ने, और कोई राक्षस नहीं मारा है। या तो कहीं अगर राक्षसों को माना तो नाम बड़ा उनका शत्रुघ्न, तो उनका नाम बड़ा शत्रुघ्न क्यों है? कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसमें वो विजयी रहेंगे? वो लड़ाई थी राम जी के प्रति आकर्षण की लड़ाई। उनका आकर्षण किससे है? राम जी से है। राम जी इतने सुंदर हैं, लेकिन उससे लड़ते थे नहीं, मैं भरत का सेवक हूं। राम जी की सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण, मैं भरत जी की सेवा करूं, लेकिन मन कहां जाता बार बार राम जी की ओर, भरत जी, राम जी की ओर आकर्षण नहीं, भरत जी की सेवा करनी है। दासानुदास, दास दासानुदास, राम जी का दास, हाँ राम जी का दास नहीं, राम जी का दासानुदास। ये युद्ध उन्होंने लड़ा और इस युद्ध में वो विजयी हुए। ही कुड कॉन्कर दिस अट्रैक्शन फॉर श्री रामचंद्र बाय बीइंग सर्वेंट ऑफ भरत। भरत जी राम के सेवक हैं और मैं राम जी के सेवक का सेवक हूं, तो इसलिए उनका नाम पड़ा शत्रुघ्न। ऐसा तो इस प्रकार से इनके ये दिव्य नाम रखेगा। और इतने खुश थे ये नेम गिविंग सेरेमनी के बाद, दशरथ महाराज ने जितने प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया, जितनों के लोन थे वो माफ कर दिए और ट्रेजरी को ओपन कर दिया, जिसको जो लेके जाना है ले जाओ। ट्रेजरी भी ओपन हो गई, खुल खुल के दान दिया, इतना खुल खुल के दान दिया। ब्राह्मण कह रहे थे दशरथ महाराज कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो दशरथ महाराज नहीं आप रखिए। तो ब्राह्मण बड़े गिल्टी फील करते हैं, यार दक्षिणा बहुत हो गई यार, 11 रुपए बहुत थे, हे तो बहुत ज्यादा दे दिया उन्होंने। तो वो आ करके क्या करते थे, दशरथ जी को दिया करते, नहीं जी आप ले लीजिए। दशरथ जी कहते नहीं आप इसको ले लीजिए। दशरथ जी फिर से उनको दे रहे हैं वापस। फिर से जब इनके पास वापस आ गया तो उसको फिर आगे ब्राह्मण और आगे ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। मतलब क्या ऐश्वर्य होगा दान करने का। कोई ऐसा होता है कि दान लेने के बाद उसको आगे आगे करे ना दान, ना 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 ना, राम नाम जपना पराया माल अपना करते हैं। यहां तो अपना माल है, अपने सबके सब इतने तृप्त हैं सबके सब। तो भर भर के वहां पर दान हुए, तो जितने भी वहां जो लोग थे देवर ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। साथ ही अभी जो उनके नाम पड़े राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिसमें कि राम जी की सेवा करेंगे लक्ष्मण जी और भरत जी की सेवा करेंगे शत्रुघ्न। ठीक है जी। तो साथ ही आचार्य ये बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी इनकी सेवा करेंगे राम जी की, यानी अर्थ को किसकी सेवा करनी चाहिए? धर्म की। अर्थ किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए होना चाहिए। अच्छा काम, काम को रिप्रेजेंट करते हैं शत्रुघ्न जी,
मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं भरत जी। सो काम किसी सेवा में लगना चाहिए, मोक्ष की इच्छाएं किसके लिए अल्टीमेटली लगनी चाहिए, अल्टीमेटली इच्छाएं हैं जी करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है, मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम की ओर आगे बढ़ना है या राम जी के प्रति प्रेम की ओर आगे बढ़ना है। तो इसीलिए शत्रु में करते हैं सेवा भरत जी की, यानी काम को सेवा करनी चाहिए है मोक्ष की, ऐसा। तो साथ ही राम जी कौन है, राम जी स्वयं वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न में वासुदेव है श्री रामचंद्र, संकर्षण है लक्ष्मण जी और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है शत्रुघ्न और भरत जी, ऐसा। तो इस प्रकार से दिस वॉज द मीनिंग ऑफ देयर नेम। अब वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत सारी बाल लीलाएं नहीं मिलती, अगर कोई वाल्मीकि रामायण में देखे तो राम जी कैसे बाल लीलाएं कुछ है नहीं कुछ खास, नहीं फिर भी कुछ थोड़ी बहुत तो है। भागवतम के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो है वो तो चैप्टर्स बाय चैप्टर की चैप्टर भरे हुए बाल लीलाओं के, भगवान श्री कृष्ण की तो बाल लीलाएं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं नहीं है, क्यों? रीजन बीइंग धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म सिखाने के लिए आए रामचंद्र जी। तो बचपन में क्या ज्यादा कुछ बाल लीलाएं होती नहीं, बाल में बच्चे होते हैं उनसे क्या सीखेंगे, तो इसलिए सीधे उनकी वो लीलाएं आती हैं वेयर ही इज नाउ ग्रोन अप, 12 साल के हो चुके हैं और फिर उसके बाद फिर विश्वामित्र मुनि को लेने के लिए आते हैं, इस तरह से ये सुनने को आता है, लेकिन अदरवाइज और कोई लीला सुनने को नहीं आती हमें बचपन की, लेकिन फिर भी उनके बचपन की कुछ लीलाएं हैं। एक समय ऐसा हुआ चारों बच्चे अपने अपने क्रैडल में थे, चारों रोए जाए, बच्चे रो क्यों रहे हैं जी, बड़े बड़े क्रैडल हैं इनके, एक क्रैडल यहां रखा है, क्रैडल यहां रखा है, रोए जाए, इनको दूध पिलाओ। बच्चे को बोला अरे बच्चा नहीं रोते, रोए जाए राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रोए जाए। क्या बच्चे रोए जा रहे? वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, जितने भी क्रैडल थे सबको ना जोड़ दिया साथ में, सब तो साथ लेकर के आओ, तो नीचे पहिए लगे हुए थे, घसीट करके इसके पास ले आए, पास ले आए। तो पहले रो रहे थे लेकिन अब रोना हो गया था, थोड़ा तो शांत हुए, यानी पूरा सोल्यूशन अभी भी हुआ नहीं है, क्या किया जाए जी। तो फिर उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, लक्ष्मण को लिया और राम जी के क्रैडल में डाल दिया, और शत्रुघ्न को लिया भरत जी के क्रैडल में डाल दिया। पहले अपने अकेले अकेले क्रैडल में थे ये, तो रो रहे थे, नाउ दे आर, अब देयर इज ओवर पॉपुलेशन, एक क्रैडल में दो हैं, अब नाउ दे आर हैप्पी, अब सबके सब हंस रहे हैं, स्माइल करें, चारों बड़े खुश हैं अब, बिकॉज नाउ दे आर इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, कि लक्ष्मण जी सेवा करेंगे राम जी की, शत्रुघ्न करेंगे भरत जी की। तो इसलिए अब क्योंकि अब एक ही क्रैडल में आ गए हैं, बाकी तो क्रैडल अब खाली पड़े हुए हैं, उनको अलग करेंगे, अब आज से यही होगा, चार क्रैडल इस्तेमाल नहीं होंगे, आज से तो दो क्रैडल इस्तेमाल होंगे, और मैं ये जोड़ी इस तरह से बैठेगी, फिर देन दे आर वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से इनका क्रैडल से पता लग गया कि ओके किसका लगाव किसके साथ है, कौन किसकी का भविष्य में सेवा करने वाला है। एक समय ऐसा हुआ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जो है सबके सब मिट्टी के गोले बना के दूसरे फेंक रहे थे, और मिट्टी से पूरे लथपथ, कोई पहचान नहीं सकता इसमें राम कौन, लक्ष्मण कौन, भरत कौन, शत्रुघ्न कौन। तो तीनों माताएं आई, कहते बच्चों तुम क्या कर रहे हो, ये कीचड़ में इस प्रकार से नहा रहे हो? कहते हाँ मैया कीचड़ में नहा रहे हैं, आप भी नहाओ, उन पे भी डाल दिया जी। अब तीनों माए भी पहचान में नहीं आ रही, कौन कौशल्या है, कौन सुमित्रा है, कौन कह रही है, कोई पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन अब सबके सब आनंद में। लेकिन एक लेडी है जो दूर बैठी बैठी सड़ रही है, ये हरकतें देखो, ये राजकुमार है, कौन कह गया इनको, ये हवन यज्ञ से प्राप्त किया है, कीचड़ों में नहा रहे हैं ये लोग, और माएं, माँ माओं का काम है बच्चों को सुधारना, माएं लगी हुई है साथ में कीचड़ में नहा रही हैं, गंदा परिवार, कीचड़ 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 लगा के रखा है। राम जी ने क्या किया, कीचड़ का गोला बनाया, उसको तीर के आगे लगाया और मंथरा के ऊपर फेंका, सीधे लगा छबाक। अब तो मंथरा जो है कुड़ रही थी, ऐसे थोड़ी होता है, तो भी तो सारा कीचड़ लगा, तो फिर कह के लिया क्या हो गया मंथरा, अरे सब आनंद ले रहे हैं और क्या, और फिर ये रज कहां की, अयोध्या की है रे, तो तू ऐसे दुखी क्यों हो रही है, ये सब मुझे पसंद नहीं है, किसने फेंका था ये चारों भाइयों में से,
तो राम जी आए, मैंने तो वैसे ही उनके अंदर ईर्षा द्वेष भरा हुआ था मंथरा के अंदर, अब तो है और हो लिया जी। कुछ लोग ना ये मजाक डाइजेस्ट नहीं होता, हंसी मजाक कर लो, उनके सड़ेले हैं सड़ेले रहेंगे, पकेले हैं पकेले रहेंगे, उनसे मजाक मजाक कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ अगर ठीक से बात ना करो, ठीक से बात नहीं करते हमसे ये, अच्छा ठीक से बात करो, है बनावटिया नौटंकिया है, तो कुछ लोगों के साथ भैया बात क्या करें, भगवान मतलब भगवान ही जानते हैं उनके साथ कैसे डील करना है। आम आदमी डील नहीं कर सकता, मंत्रवाद है कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है। अरे सब आनंद में तुम भी कर लो ना, है ना, मैंने चाहिए सब है गंदा है। So that this was her attitude. तो इस प्रकार से फिर फाइनली किसने सजेस्ट किया, देखिए दशरथ महाराज बच्चे बड़े हो गए, आप बच्चों को आपको गुरुकुल भेजना चाहिए, गुरुकुल। अरे बच्चों को हीरा नहीं देते ना, देखिए गुरुकुल तो देखिए आप, ये तो सारे राजा जाते हैं तो इसीलिए बच्चों को भी जाना होगा ना, सीखेंगे। चलो ठीक है जी, ओके ले चलते हैं इनको। लेके गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में और अब वहाँ खड़े हुए देखने, कहते हैं हाँ जी ये चारों बच्चे जी अब आ गए हैं, थोड़ा बढ़िया है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं ठीक है आपने छोड़ दिया इनको, आप जा सकते हैं आप। तो दशरथ महाराज का ऐसा मत बोलिए जी, देखिए हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो देखिए भाई बच्चा जो है कैसा परफॉर्म करता है, तो इसलिए प्लीज़ लेट मी सी देखिए बच्चे कैसे करते हैं। भाई देखना चाहते थे बच्चा कौन से हाथ से धनुष उठाता है, अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से धनुष उठाएगा या इसकी रगों में मेरा खून है, बच्चा ऐसे राइट हैंड से उठा ले धनुष या बे गबड़ गोची, राइट हैंड से उठा लिया इसने, लेफ्ट हैंड से उठाए मतलब ये उसमें ये नहीं मतलब स्वाभाविक रूप से और बीच से उठाए, बच्चा अगर कोने से उठा ले धनुष ऐसे उठा ले तो चल कोई नहीं ट्रेनिंग देंगे इसको, लेकिन ऐसे कुछ सीधे लेफ्ट हैंड से ऐसे उठा ले अगर, ये है क्षत्रियों का खून है जी। जैसे कि माता पिता भी होते हैं ना बच्चे उठा लें करताल उठा लें टिन 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 कर दें टिन टिन टिन, अरे जी हमारा बच्चा तो भगत है तो थोड़ा टिन 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 कर ले, तो वैसे ही उनका भी बड़ी इच्छा थी कि वो ही देखें बच्चा गुरुकुल में कैसे परफॉर्म करता है। वशिष्ठ मुनि का देखिए निश्चित रूप से एक पिता को अधिकार होता है कि वो देखे कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या सारे पिताओं को उनके बच्चे खीर खा के मिलते हैं, नहीं ना, ये खीर वाले बच्चे, थैंक यू, आप यहाँ से यू टर्न लीजिए रथे बैठिए हाँ, और घोड़े को थोड़ा सा उसकी उसको लगाम को ऐसे खींचिए जाइए, ओके ठीक है वशिष्ठ मुनि। तो फिर दशरथ महाराज जो है पानी रथ बैठे और रथ को हाँकते हुए पानी वो निकल गए, निकल गए तो दशरथ वशिष्ठ मुनि देख लिया ठीक है पूरे गए ठीक है। उसके बाद फिर वशिष्ठ मुनि क्या किया, परिक्रमा की चारों भाइयों की, परिक्रमा करके दंडवत किया उनको, ए प्रभु मैं गुरुकुल में क्या सिखाऊंगा आपको, मेरे में जो ज्ञान है वो आप ही से तो आ रहा है, मैं क्या सिखाऊंगा आपको, पर आपने आपकी लीलाओं में मुझे ये सेवा दी हुई है आपके गुरु बनने की, तो मैं कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा लेकिन आप कृपा करिए प्रभु। तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी परिक्रमा की, उनको दंडवत प्रणाम किया, एंड देन देयर ट्रेनिंग ऑल्सो स्टार्टेड एंड दे वर वेरी ब्राइट इन ट्रेनिंग, वेरी गुड इन ट्रेनिंग, बहुत जल्दी से सब कुछ पकड़ रहे थे वो लोग। तो एक समय ऐसा हुआ राम और लक्ष्मण दोनों साथ साथ थे और गुरुकुल से एक दिन छुट्टी का दिन था, उन्होंने देखा कि ना एक लेडी जा रही है उसने नथनी पहनी हुई है। राम ने बोला लक्ष्मण तू इस लेडी की नथनी में से क्या तू बाण निकाल सकता है, हाँ निकाल देता हूँ, क्या बाण निकालना और ना नथनी छोटी भी करनी है, मैंने कर दूंगा, मारा वो नथनी में से एरो निकला और नथनी जो है वो छोटी हो गई और चिल्लाई तो राम जी ने कहा वो लगता है बहुत पीड़ा में है, तो लक्ष्मण ने कहा आप ऐसा कर सकते कि ना वो उसकी नथनी जो हो रखी है ना उसमें से उसको नाक को बिना छुए भी उसमें से बाण निकाल दें और नथनी पुरानी साइज में हो जाए, कहता है ये मैं कर दूंगा। राम जी ने तीर निकाला मारा वो उस टाइट हुई नथनी जिसे माथे चिल्लाई थी उसमें से निकला और निकल करके जो है मतलब नथनी बराबर हो गई। तुम लोगों ने क्या है, राम लक्ष्मण ने कहा
हमने क्या है? अच्छा लगा? कैसा था? क्या यार रे, तुम लोगों ने क्या है? तो और क्या नहीं तो? हाँ अरे तुम कहाँ करोगे, छोटे से बच्चे तुम लोग, कहते तेरे को एक और दिखाएं। लक्ष्मण निकाल, इसी नथी निकाल दे भाई। वो लक्ष्मण जी ने एक और तीर मारा, गई गया और वो निकाल दिया और वो गई हवा में गई। हाय मेरी नथनी। राम जी ने कहा चाहिए तेरे को वापस? हाँ चाहिए। राम जी ने हवा में तीर मारा, वो नथनी में जाकर के नथनी आकर नथनी पहना दी उस तीर ने और तीर चला गया था। हाँ हाँ गई। राम लक्ष्मण जी ने कहा और दिखाए कुछ? अरे ये बच्चे तो पता नहीं कहां से तुम लोगों तीर कमान सीखा हुआ है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। दैट इज एक्सपर्टीज ऑफ द लॉर्ड। जब छोटे भी थे राम और लक्ष्मण, तो अक्सर ना बच्चे जहां आंख में चोली खेल रहे थे, आंख में पट्टी बांध करके आंख में चोली खेल रहे हैं, तो राम लक्ष्मण जी खड़े हुए थे, राम जी भी खड़े हुए थे, नहीं हमको भी खेलना है आंख में चोली। कहते नहीं जी आपको अलाउड नहीं है। तो क्यों? जब सब खेल सकते हैं आंख में चोली तो हम भी तो खेल सकते हैं ना। कहते नहीं आपके लोगों के साथ दिक्कत है। राम लक्ष्मण ने कहा हमारे साथ क्या दिक्कत है भाई? कहते क्योंकि आपकी एक आंख है सूर्य, एक आंख है चंद्रमा, आंख में पट्टी बांधो ना बांधो सब दिखना है आपको, इसलिए आंख में चोली आपके साथ नहीं खेल सकते जी। तो इस प्रकार ही कुछ बड़ी दिव्य बड़ी सुंदर बाल लीलाएं भी हैं श्री रामचंद्र जी की। ओके टाइम इज अप, बहुत बहुत धन्यवाद सही वक्तों का। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी महामहोत्सव की जय। गोप्यमनंदे हरि हरि हरे कृष्ण।